नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो हम RBSC बोर्ड में जो 11 कक्षा आती है, कक्षा 11 11th आती है, जिसमें हम कला वर्ग के इतिहास का मॉडल पेपर लेते हैं, जो 2021 की परीक्षा होगी आपके अप्रैल में, जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें से इतिहास में से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 2021 की परीक्षा में आने वाले। तो ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी हुआ है और अब की बार पेपर है वो अब की बार कक्षा 11वीं कक्षा के पेपर भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही बनाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किए गए उसका परीक्षा पैटर्न ये रहने वाला है और यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2021 की एग्जाम में आएंगे आपके। तो ये देखिए, आपके पता ही आपको 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर आपको होमवर्क एवं सोशल मार्क्स आपको दिए जाएंगे 20 नंबर। और यहाँ पर देखिए खंड है, यानी कि अब की बार आपके भी अभसद वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे बोर्ड में क्वेश्चंस अभसद वाले आएंगे इस वर्ष, तो आपके भी अभसद वाले आएंगे। देखिए यहाँ पर इतिहास का पेपर है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप पर हुई थी, एक नंबर का ये क्वेश्चंस आएगा आपके अभसद वाले। मेसोपोटामिया, यहाँ से आपका जो भी सिलेबस रिमूव हुआ है वहीं से आपके ये आया है, जैसे कि जो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये मॉडल पेपर तैयार हुआ है। पैगंबर मुहम्मद कौन से कबीले से थे, कुरैश कबीले से थे। हिजरत सन की शुरुआत कब से हुई थी, हिजरी सन। निम्नलिखित में से मानवतावाद, पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कब की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कब की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान से। ऑस्ट्रेलिया में प्रथम बार ब्रिटिश लोग कब पहुँचे थे, ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, आपके 10 क्वेश्चन से अभसद वाले आएंगे, फिर आपके बाकी क्वेश्चन एक एक नंबर यानी छोटे छोटे एक एक लाइन के आएंगे। जीवाश्म से क्या तात्पर्य है, यानी कि जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म उससे क्या तात्पर्य है। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है, हिस्ट्री से आया ये। पुनर्जागरण का अर्थ बताइए, पुनर्जागरण ये बदलती हुई संस्कृति टॉपिक से आया हुआ है, बदलती हुई संस्कृति है ना आपके इतिहास में टॉपिक। पाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, इंग्लैंड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में मद के नाम से पुकारने जाने वाली अवधि क्या थी, तो इसका मैं आंसर अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार आ सकता है, आएगा ये। ऑस्ट्रेलिया बस्तियों में स्वशासन का अधिकार कब किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैगंबर मुहम्मद, फिर वह भाग आता है आपके, यहाँ पर दो दो अंक के क्वेश्चन आते हैं, हिजरा, फिर यहाँ पर अथवा में भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है 2021 की एग्ज़ाम में आएंगे आपके। और 11th अगर आप और भी कमेंट करते हैं तो और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, आर्ट्स में, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में हो। मेसोपोटामिया सभ्यता की शहरीकरण का महत्व बताइए, मेसोपोटामिया में बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, अथवा में पूछे जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद, ये मोहम्मद साहब के भी या तो जीवन परिचय आ सकता है, उनकी इस्लाम में क्या सिद्धांत बताए वो भी आ सकता है, उमैयद वंश के पतन के बाद क्या कारण, प्रमुख कारण क्या बताए गए वो भी आ सकता है, इस्लाम का उदय एवं विस्तार से। फिर विज्ञान के विकास के अरबों में योगदान आपको देना है। पुनर्जागरण काल में वास्तुकला का विकास क्या हुआ, फिर आपको 10 भाग में आपको मानचित्र आएगा, नक्शा आएगा, वहाँ से आपको ये आपके विश्व का नक्शा आता है। 11th में विश्व का नक्शा आएगा, विश्व में से कुछ भी स्थान पूछे जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या पुर्तगाल, अथवा में आएगा, नक्शा भी आप कर सकते हैं आसानी से। फिर आपके स्तंभ यानी जोड़ने वाले आएंगे, खलीफा वगैरह, पैगंबर का प्रतिनिधि, उम्मा, ये सब आएंगे आपके। फिर मानक के क्रमिक विकासों को समझाइए, मेसोपोटामिया सभ्यता के भौगोलिक स्वरूप के बारे, दोनों में से एक करना, 6 अंक का बड़ा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो आपके टोटल आपके 28 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में आपको 3 अथवा में पूछा जाएगा, 3 में से एक करना है। तो ये पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पेपर को आप तैयार कर दीजिए, आप आसानी से 11th में अच्छे अंक ला सकते हैं, बढ़िया अंक ला सकते हैं आप 11th कक्षा में इतिहास में। तो आई होप आपको ये पेपर कैसा लगा, पेपर डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल बनना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि राजस्थान स्कूली शिक्षा के रिगार्डिंग यहाँ पर सभी तरह की तैयारी करवाई जाती है। आई होप फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।